संहिता बोध के अगले सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। संसर्जन क्रम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संसर्जन क्रम, इसके बारे में हमें यही संहिताओं में से याद है कि वमन विरेचन के बाद जो 4 और 5 दिन के लिए जो पथ्याहार कहा जाता है उसे संसर्जन क्रम कहते हैं, और वो अग्नि वृद्धि के लिए हम उसका उपयोजन करते हैं। पर अगर ग्रंथ में से संसर्जन क्रम के बारे में सभी संदर्भों का संकलन किया जाए और उनका अध्ययन किया जाए तो संसर्जन क्रम किस तरह से उसकी योजना की गई है और कौन से उद्देश्य से संसर्जन क्रम किया गया है और वही संसर्जन क्रम और उसी उद्देश्य का हम हमारे चिकित्सा में व्यवहार में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। तो हम आज संसर्जन क्रम के बारे में ग्रंथ में से जो किया हुआ संकलन है वो देखेंगे। संसर्जन, इस शब्द का अर्थ हम देखेंगे। सम अधिक सृज, ये सृज धातु है, इसका अर्थ है संयोग करना और मिलाना। सम अधिक सृज संसृजते और संसृजयति, और संसर्जन सम्यक सृजते, मतलब उसको योग्य तरह से मिलाना। अभी क्या मिलाना है हमें, तो हर कल्पनाओं को मिलाना। कैसे मिलाना है, सम्यक तरीके से मिलाना है। इसका मतलब है रुग्ण के अनुसार, रुग्ण के अग्नि के अनुसार, रुग्ण के शोधन के मात्रा के अनुसार हमें इन आहार कल्पनाओं की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। ये संसर्जन क्रम इस शब्द का अर्थ है। अभी संसर्जन क्रम इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ हम देखेंगे। हमारे ग्रंथ के मर्यादा में संसर्जन इस शब्द का अर्थ क्या है, तो बहुत सी जगहों पे जहाँ संसृज, संसर्गी, संसर्जन ऐसे शब्द मिलते हैं उस पे टीकाकार टीका करते वक्त यही करते हैं। जैसे उदर चिकित्सा में नित्यमेव विरेचयति ये कहा गया है और उसके बाद संसर्जन क्रम करने का निर्देश है, तो यहाँ चक्रपाणि जी व्याख्या करते हुए बोलते हैं संसृज्यते इति अत्र पेयादि क्रमेण उपपाद्य। मतलब यहाँ पे संसृज्य इस शब्द का अर्थ पेयादि क्रम ऐसे लिया है, पारिभाषिक अर्थ पेयादि क्रम ऐसे ही है। उसी तरह सुषुम्न संहिता में ज्वर चिकित्सा अध्याय में भी जब तक दोष है तब तक लंघन करने का निर्देश है और उसके बाद संसर्ग युक्त पाचन कर संसर्जम आचरित इसका निर्देश किया है। तो यहाँ पे भी दलधनाचार्य टीका करते वक्त संसर्ग इस शब्द का अर्थ पेयादि क्रम इसी तरह करते हैं। कुक्षी शूल, ये जो अवस्था है गुल्म की, उसकी चिकित्सा बताते वक्त भी वमन और लंघन करने के बाद संसर्ग युक्त पाचन करने का निर्देश है। तो यहाँ पे भी संसर्ग इस शब्द पे टीका करते हुए दलधनाचार्य पेयादि क्रम पाचनन इस तरह से करते हैं। अष्टांग हृदय में भी इसी तरह के संदर्भ हम देख सकते हैं। विरिक्तानां च संसर्गी मंडपूर्वा यथाक्रम, जिन रुग्णों में विरेचन पूर्ण हो चुका है, शोधन पूर्ण हो चुका है, उनमें उनको संसर्जन क्रम देना है। तो यहाँ संसर्गी पे टीका करते हुए कृतवमन विरेचनानंतरम यह पेयाद्य अवचारण क्रम संसर्गी उच्यते। यहाँ पे भी संसर्गी इस शब्द पे पेयादि क्रम इस तरह से ही टीका की गई है। ऐसे और संदर्भ हमें मिलेंगे। शुद्ध शरीराय कृत संसर्जनाय, यहाँ पे संसर्जनाय इस शब्द पे भी कृत पेयादि क्रमाय इस तरह से व्याख्या की गई है। संसर्गी तर्पणादि परमहितम, मदात्यय की चिकित्सा में जहाँ पे शोधन होने के बाद संसर्जन क्रम करना है वो कैसे करना है, तर्पणादि क्रम करना है। वमनादिकस्य अनंतरम पेयादि क्रम, यहाँ पे भी यही व्याख्या की गई है। इन सभी संदर्भों से हमें यही पता चलता है कि हमारे शास्त्र की मर्यादा में संसर्जन, संसर्गी, संसृज्य इन सभी शब्दों का पारिभाषिक अर्थ है पेयादि क्रम। अभी ये संसर्जन क्रम किन रुग्णों में किया जाए, अर्ह रुग्ण कौन है, तो संशोधनाभ्याम शुद्धस्य ऋतदोषस्य देहिनः यात्यग्नि मंदतां तस्मात् क्रमं पेयादि माचरेत।
जिस देह से संशोधन से जो देह शुद्ध हो चुका है और जिस देह से दोष बाहर निकल चुके हैं, उनमें जहां मंदाग्नि है वहां मंदाग्नि है, इसलिए उसमें पेयादिक्रम का आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे चक्रपाणी जी व्याख्या करते हैं, यदि अपि निरुणस्य अपि अग्निमान्द्यम संभवति, निरुहय बस्ती के बाद भी दोषों का शोधन शरीर से होता है, फिर भी तथापि निरुणस्य तादृक अग्निमान्द्यम न भवति, इतना अग्निमान्द्य नहीं निर्माण होता कि जिसमें पेयादिक्रम किया जाए, ये न पेयादिक्रम क्रियते, अतो निरुह विदासार्थम संशोधनाभ्याम इति द्विवचनम कृतम। यहाँ पे जो संशोधनाभ्याम, ये जो द्विवचन वर्णन किया है, तो उस पे टीका करते हुए चक्रपाणि कहते हैं कि यहाँ पे निरुह बस्ती का इसे निकालने के लिए यहाँ सिर्फ वमन और विरेचन इसको अंतर्भूत करने के लिए यहाँ पे द्विवचन की योजना की गई है, क्योंकि वमन और विरेचन में साक्षात जो औषधि द्रव्य है, शोधन द्रव्य है, वो अग्नि के संपर्क में आता है, पर निरुह बस्ती के वक्त ऐसी अवस्था नहीं होती है। शोधन द्रव्य ये पक्वाशय तक ही जाता है, वहां तक ही मर्यादा होता है, इसलिए वहां उतना अग्निमान्द्य नहीं होता कि पेयादिक्रम की योजना करनी पड़े। वमितश्च विरिक्तश्च मंदाग्निश्च विलंघितः अग्नि प्राण विवृद्ध्यर्थं क्रमं पेयादिकं भजे। चरक सिद्धि स्थान वमन विरेचन व्यापद सिद्धि में ये जो संदर्भ मिलता है, वमन होने के बाद, विरेचन होने के बाद, जहाँ पे मंदाग्नि है और जिसमें जिस रुग्ण में लंघन किया गया हो, उनमें अग्नि और प्राण विवर्धन के लिए पेयादिक्रम का आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे चक्रपाणी कहते हैं कि वमन और विरेचन का व्यापद हो और अतियोग हो तो भी जहाँ जो अग्निमान्द्य होता है उसमें भी पेयादिक्रम का वर्णन मिलता है, अतियोगे अपि यथा पेयादिक्रमो भवति। सुश्रुताचार्य कहाँ कहाँ अग्निमान्द्य होता है इसका वर्णन सुश्रुत आतुरोपक्रमणीय में मिलता है। स्नेह पीतस्य वान्तस्य विरिक्तस्य श्रुतासृजः, जिस रुग्ण में स्नेहपान किया गया हो, वमन और विरेचन किया गया हो, सुतासृजः रक्त मोक्षण किया गया हो और निरुह किया गया हो, उनमें कायाग्नि मंद होता है, तो वहां पे संसर्जन पेयादिक्रम करना चाहिए, ऐसा सुश्रुताचार्य का कहना है। अष्टामृदय में भी यही संदर्भ मिलता है, संशोधन मतलब वमन विरेचन के बाद रक्त विश्रावण, अस्त्र विश्रावण, रक्त मोक्षण के बाद स्नेह योजन, स्नेहपान करने के बाद, और लंघन जैसे अतिसार ज्वर, इन व्याधियों में लंघन का निर्देश है, लंघन इस उपक्रम की योजना करनी है, तो उसके बाद प्राकृत भोजन तक आने तक हमें तैयारी क्रम का योजना करनी है। इनमें जो मंदाग्नि है उनकी क्रमवार ही वृद्धि करनी है। यहाँ पे स्नेह योजन इस शब्द पे टीका करते हुए हेमाद्री कहते हैं कि शमन स्नेह जिस रुग्ण में योजना की जाती है वहां पे संसर्जन क्रम करना चाहिए। शमन स्नेह की मात्रा ये 24 घंटों में पटने वाली स्नेह की मात्रा है, इतनी बड़ी मात्रा में स्नेह लेने के बाद जो अग्निमान्द्य होता है उसको प्राकृत भोजन नहीं दे सकते, वो अग्नि प्राकृत भोजन जरण करने में असमर्थ है, तो क्रमाग्नि वृद्धि के लिए यहाँ पेयादि क्रम की योजना करनी चाहिए। इसका मतलब किन किन योजनाओं में पश्चात कर्म बोल के पेयादि क्रम का उल्लेख है, संशोधनाभ्याम मतलब वमन और विरेचन, रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण के बारे में भी ये कह सकते हैं कि रक्तमोक्षण के बाद अग्निमान्द्य होता है, इसका उल्लेख सुश्रुताचार्य भी करते हैं, और साक्षात धातु शरीर से बाहर जाता है, रक्त धातु का विश्रावण होता है, तो धातु क्षय की वजह से भी अग्निमान्द्य निर्माण होता है, इसलिए रक्तमोक्षण में क्रमाग्नि वृद्धि अपेक्षित है। रक्तमोक्षण के बाद स्नेहपान, शमन स्नेहपान होने के बाद भी क्रमाग्नि वृद्धि अपेक्षित है, क्योंकि शोधन स्नेहपान होने के बाद तो आग की योजना हमें पता ही होती है, वमन करना है या विरेचन करना है, पर उसके सिर्फ शमन स्नेह के बाद ही संसर्जन क्रम का उल्लेख मिलता है, और लंघन के बाद
प्राकृत भोजन तक आने तक संसर्जन क्रम करना चाहिए। संसर्जन क्रम का मुख्य उद्देश्य है अग्निवृद्धि। तो थोड़ा सा अग्नि के बारे में हम बात करेंगे। कर्काचार्य निदान स्थान में ज्वर की संप्राप्ति वर्णन करते वक्त ये कहते हैं, स यदा प्रकोपितः प्रविशम आमाशय ऊष्मणा सह मिश्री भूयम आद्यम आहार परिणाम धातु। इस तरह से संप्राप्ति का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे चक्रपाणी टीका करते वक्त कहते हैं, इह च उष्म शब्देन पाचक अग्निम व्यपदिशन पाचकस्य वह्ने उष्म रूपतां दर्शयति। यहाँ पे जो पाचक अग्नि है वो उष्म स्वरूप में है, ऐसे चक्रपाणी कहते हैं। मतलब हमेशा हमारे शरीर में जो अग्नि स्वरूप है वो उष्म स्वरूप है। बाह्य वन्ने सदृशं ज्वालाकारं पित्तं निषेधयति। बाह्य सृष्टि में जैसे वन्नी है ऊर्ध्व ज्वाला कारक का, तो उस तरह का वन्नी हमारे शरीर में नहीं रहता है, वो उष्म रूप के उष्म स्वरूप में हमारे शरीर में रहता है। उसी तरह आहार परिणाम कर भावों का जहाँ पे वर्णन मिलता है वहां पे भी अग्नि के लिए उष्मा शब्द का ही योजना की है। उष्मा पचति, आहार का पचन किससे होता है, तो उष्मा से। यहाँ पे अग्नि का स्वरूप उष्मा है ऐसे स्पष्ट किया है। तो ये किन चीजों का उष्मा, किन भाव पदार्थों का उष्मा, तो हमारे शरीर में जो दोष धातु और मल है उनके सन्निपात से निर्माण होने वाला अंतर उष्मा ये अग्नि है, ऐसा अष्टांग संग्रहकार कहते हैं। दोष धातु मल सन्निपात जनितो अंतर उष्मा यथा निर्दिष्टम अधिष्ठान कर्म। तो अग्नि उष्मा स्वरूप हमारे शरीर में है, और किन भाव पदार्थों का, तो दोष धातु और मल इन भाव पदार्थों के सन्निपात से निर्माण होने वाला अंतर उष्मा ये अग्नि है। तो अभी अग्निमान्य शोधन के वक्त किस वजह से होता है, तो भूरी दोष गमन क्षोभात अग्निमान्य संभव होती। शोधन करते वक्त वमन और विरेचन से शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में दोष बाहर पड़ते हैं। और अभी हमने देखा कि दोष इस भाव पदार्थ के उष्म स्वरूप ही अग्नि उपलब्ध है। तो जब वो भाव पदार्थ ही शरीर से बाहर निकलेंगे तो उसकी वजह से क्षोभ होने की वजह से अग्निमंड शोधन के बाद उत्पन्न होता है। और क्या कारण है, जो विरेचन औषधि है, शोधन औषधि है, जैसे मदन फल त्रिवृत्त दंती, इनका संग अग्नि के साथ होने के बाद जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसकी वजह से अग्निमान्य होता है। चक्रपाणि जी चरक सूत्र 16 पे टीका करते हुए कहते हैं, संप्रति शोधने न यथा दोष क्षय तथा धातु क्षय अपि भवति। जैसे शोधन करते वक्त जो दोष शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसी तरह धातु क्षय भी होता है। तो दोष और धातु से जनित ये उष्मा है इसलिए और अग्निमान्य निर्माण होता है। तो ये अग्नि वृद्धि हम औषध से क्यों नहीं कर सकते। अभी हमारे व्यवहार में क्लिनिक में जब अग्नि मान्य युक्त ये लक्षण युक्त रुग्ण आता है तो हम दीपन औषध दे के अग्नि वृद्धि करते हैं, पर इस अवस्था में हम ये औषध दे सकते हैं या नहीं। आहार से ही क्यों अग्नि वृद्धि कही गई है, दीपन औषध हम दे सकते हैं, मिश्रे या चित्रक इस तरह के दीपन औषध हम दे सकते हैं, पर भेषज क्षपिते पथ्यम आहार एव रुहणम, ऐसे निर्देश चरकाचार्य कहते हैं। जिस रुग्ण का क्षपण भेषज से हुआ है, अपतर्पण भेषज से मतलब शोधन द्रव्यों से जिस रुग्ण में अपतर्पण हुआ है उनमें पथ्यकर और आहार ही है, उनका ब्रूहण आहार से ही करना चाहिए। इस पे टीका करते वक्त चक्रपाणि कहते हैं, यहाँ पे आहार एव इति अवधारणे एव मतलब निश्चय किया गया है कि यहाँ पे आहार ही आहार की ही योजना करनी है। तेन भेषजेन ग्रहणम निषेधयति, भेषज से औषध से ग्रहण नहीं करना है। क्यों, भेषजस्य वीर्य प्रधानस्य तदा दुस्सहत्वात्, भेषज ये वीर्य प्रधान है, आहार रस प्रधान है, इसलिए भेषज से वो दुस्सह होते हैं इस अवस्था में जब भेषज से क्षपण हुआ है, इसलिए आहार से ही क्रमाग्नि वृद्धि आहार से ही ग्रहण करना है, और उसी आहार से ही पोषक दोष और धातुओं की निर्मिति होने वाली है। अवस्थापाक में दोष तैयार होंगे और आहार रस से ही आगे आगे धातु तैयार होंगे। तो इन्हीं भाव पदार्थों से उष्मा जो होगा वो अग्नि है, इसलिए आहार से ही
ग्रहण करना चाहिए, औषधि से नहीं। इस संसर्जन क्रम का उद्देश्य क्या है ये हम देखेंगे। अग्निवृद्धि, क्रमाग्निवृद्धि ये है, ये तो सभी को पता है। यथाणु अग्नि स्तृण गोम याद संधुक्षमाणु भवति क्रमय, जैसे सृष्टि में, बाह्य सृष्टि में जो अणु अग्नि, छोटा अग्नि है, उसमें हम थोड़े थोड़े तृण और गोमय आदि चीजें डाल के उसका संधुक्षण करते हैं। एक साथ ही बहुत मात्रा में तृण और गोमय आदि चीजें नहीं हम यूज कर सकते, क्योंकि वो अग्नि और मंद हो जाएगा। इसलिए अल्प मात्रा में क्रमाग्नि वृद्धि के लिए, और वो अग्नि महान, स्थिर और सर्वपच होने के लिए जिस शरीर में शोधन हुआ है, ऐसे शरीर में पेयादि क्रम से क्रमाग्नि वृद्धि करनी चाहिए। वो अग्नि महान, सभी आहारों को पचाने वाला, स्थिर, थोड़े से अपथ्य से विचलित न होने वाला, और विरुद्ध न, और बहुत ही गुरु चीजें को जरण करने वाला, ऐसे सर्वपच हो जाता है। संसर्जन क्रम का अग्नि वृद्धि ये तो मुख्य उद्देश्य है ही, फिर भी उसके और कुछ उद्देश्य देखे जाते हैं। वो है शेष दोष शमन। सुश्रुत उत्तर तंत्र 49 मतलब छर्दी चिकित्सा अध्याय में ये संदर्भ मिलता है। संसर्गश्च अनुपूर्वेण यथा संवेश जायतम। संसर्ग क्रम करना है किस तरह से, उस उन उन, उन दोषों के, तत्त दोषों के भेषज से युक्त करना है। तो उसमें डल्हणाचार्य टीका करते वक्त कहते हैं, शोधन के बाद जो संसर्जन क्रम का कर्तव्य करना है वो कैसे होना चाहिए। यथास्वम भेषजायुतम इति वातादेर यदात्मीयम प्रत्यनिक औषधम तेनायुतः ईषद्युतः इति अर्थः। मतलब वो जो संसर्जन क्रम में जो आहार कल्पनाएं हैं, पेया, विलेपी, युष और मांसरस, वो कैसे होनी चाहिए, उन उन दोषों के, वातादि दोष है उनके प्रत्यनिक औषधि से युक्त होनी चाहिए। मतलब जो भी कुछ शोधन के बाद शेष दोष कोष्ठ में उपस्थित है उनका उनका शमन हो जाए, इस उद्देश्य से उस भेषज से युक्त संसर्जन क्रम करना चाहिए। संसर्जन क्रम में जो प्रथम आहार कल्पना है मंड, उसके गुणकर्मों का वर्णन करते वक्त उसमें एक शब्द दिखता है, त्रुडग्लानी दोष शेषघ्नम पाचनोद्धारकु सम्यक रूप। उसपे अरुणदत्त टीका करते वक्त कहते हैं, दोष शेष इति वचनम ज्ञापकात् कृतवमन विरेचनस्य दोष शेष ग्रहण। वमन विरेचन करने से जो भी कोष्ठ में दोष रहते हैं उनका, इन दोषों का शमन करने के लिए मंड की योजना प्रथम आहार काल में की गई है। क्यों दोष शेष रहते हैं, तो अरुणदत्त कहते कि वमन कर्म और विरेचन करना कर्म करते वक्त अतियोग न हो, इसलिए कुछ दोष शेष रह जाते हैं कोष्ठ में, तो उन शेष दोषों का शमन मंड से होता है और संसर्जन क्रम की योजना से होता है। हेमाद्री को भी यही अपेक्षित है। बलवर्धन, संसर्जन क्रम का और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बलवर्धन। जैसे हमने पहले देखा है कि संशोधन के वक्त जैसे दोष क्षय होता है वैसे धातु क्षय भी होता है, और धातु क्षय होगा तो बल क्षय भी होगा। संसर्जन क्रम की व्यापद में जहाँ पे उल्लेख आता है तो उसका ध्येय बताते वक्त, अग्नि प्राण विवृद्धार्थम क्रमम पेयादिकम भजे, प्राण विवर्धनार्थ, जैसे अग्नि विवर्धनार्थ भी पेयादि क्रम किया जाता है, वैसे प्राण विवर्धनार्थ भी पेयादि क्रम का की योजना करनी चाहिए। तो प्राण ये बल ही है, ऐसे बहुत से संदर्भ हमें ग्रंथों में मिलते हैं। उनमें से कुछ संदर्भ हम देखेंगे, लवण रसाधिक्य में जने चपेत बलम, ये जो उल्लेख है यहाँ पे बलम पे टीका करते वक्त अरुणदत्त कहते हैं कि बलम प्राणम क्षपय, यहाँ पे बलम इसका अर्थ प्राण का क्षपण होता है लवण रसाधिक्य से। उसी तरह वात वृद्धि का जो सूत्र है, बल निद्रेन्द्रियम भ्रंश प्रलाप प्रमधीनता, यहाँ पे बल भ्रंश इसका, इस पे भी टीका करते हुए कहते हैं प्राणोपघातो भ्रंश, मतलब बल का यहाँ पे भी अर्थ उन्होंने प्राण इस तरह से लिया हुआ है। ज्वर का जो लक्षणों का वर्णन है वहां पे अल्प प्राणता, इस सूत्र पे टीका करते वक्त अरुणदत्त अल्प प्राणता स्तोक बलत्व इस तरह से उल्लेख करते हैं। मतलब प्राण, मतलब प्राण वृद्धि, मतलब बल वृद्धि करना, ये संसर्जन क्रम का उद्देश्य है, ये
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संसर्जन क्रम का हम देख सकते हैं। और एक संसर्जन क्रम का उद्देश्य है धातु सारणी। हमने देखा कि जिस रुग्ण में भेषज से क्षपण हुआ है उसमें आहार से ही ग्रहण करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो धातु क्षय होता है उस धातु क्षय को धातु साम्य में प्रस्थापित करने के लिए फिर से संसर्जन क्रम की ही जरूरत होती है। मंड के गुण कर्मों में और एक गुण कर्म दिखता है धातु साम्य कृत। तो प्रेमाद्री इस पर टीका करते वक्त कहते हैं कि लंघनादिकृत वैषम्य शमनात्, लंघन वमन विरेचन आदि, इससे जो धातु क्षय हो जाता है उसको, जो धातु वैषम्य निर्माण होता है उसका शमन करने के लिए भी मंड इस आहार कल्पना की योजना संसर्जन क्रम में की गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है संसर्जन क्रम का कि धातु साम्य निर्माण करे। इसी तरह मंड में स्रोतो मार्दव कृत स्वेदी, इस तरह से भी कर्म, उसका कर्म का उल्लेख मिलता है। तो लंघन अधिकृत काठिन्य शमनार्थ, मंड से लंघन वमन विरेचन आदि, इस ये जो लंघन उपक्रम है षडविध उपक्रम में से ये सब लंघन उपक्रम है, उसकी वजह से जो स्रोतों को काठिन्य उत्पन्न होता है, लंघन के एक गुण में भी कठिन गुण आता है, तो इस प्रकार से स्रोतों में जो काठिन्य होता है वो कम करने के लिए भी मंड इस आहार कल्पना का, आहार कल्पना की योजना संसर्जन क्रम में की जाती है। तो स्रोतो मार्दव निर्माण करना ये भी एक संसर्जन क्रम का उद्देश्य है। दोषानुलोम पेया इस आहार कल्पना के कर्म का कर्म है। क्षुत्रृष्णा ग्लानी दौर्बल्य कुक्षी रोग ज्वरापहा मलानुलोमिनी पथ्या पेया दीपन पाचनी। तो इस मलानुलोमिनी पे टीका करते वक्त अरुंधत्त कहते हैं मलान वातादि दोष अनुलोमयति स्वमार्गस्थान करोति, मतलब शोधन के वक्त और लंघन के वक्त जो दोष अपने स्वस्थान से चलित हो जाते हैं उनको फिर से स्वमार्गस्थ करने के लिए पेया इस आहार कल्पना की योजना करनी चाहिए। इसलिए ये सब जैसे अग्नि वृद्धि और प्राण वृद्धि मतलब बल वृद्धि और शेष दोष शमन, ये संसर्जन क्रम के मुख्य उद्देश्य है। पर ये बाकी दोषानुलोमन, स्त्रोतो मार्दव, धातु साम्य प्रस्थापित करना, ये सभी भी संसर्जन क्रम के गौण उद्देश्य है, द्वियम उद्देश्य है। पर इन सब आहार कल्पनाओं के गुण कर्म से हमें ये पता चलता है कि यही आहार कल्पनाओं से क्यों संसर्जन क्रम मिला है। सम्यक संसर्ग जो किया है इन आहार कल्पनाओं का, यही आहार कल्पनाओं का क्यों किया है, क्योंकि उसी गुण कर्मों की अपेक्षा वहां पे उस अवस्था में है। इसलिए तो अभी संसर्जन क्रम की सामान्य पद्धति ग्रंथ में क्या मिलती है, तो चरक संहिता में उपकल्पनीय अध्याय में जो सामान्य पद्धति देखी जाती है, अथ एनम सायान है परेवापि सुखोदक परीक्षितम, जिस दिन वमन विरेचन हुआ है उस दिन सायन है, और दूसरे दिन जब क्षुद्ध बोध हो उस दिन सुखोदक परीक्षितम, सुखोष्ण जल से स्नान करके पुराणानाम लोहितशाली तंडुलानाम स्वक्लिन्नाम, पुराण लोहितशाली तंडुल से निर्मित जिसको पहले से भिगो के रखा हुआ है ऐसे तंडुल से बनी हुई यवागु मंड पूर्वाम सुखोष्णाम यवागुम पाये, यवागु का पान करना है, पर वो कैसी होनी चाहिए, मंड पूर्वाम मतलब मंड प्रधान, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मंड है ऐसे यवागु ही यवागु का पान करना चाहिए। कैसे, अग्निबल अभिसमीक्ष, मतलब अग्निबल का अभिसमीक्षण कैसे करेंगे, उत्तम शुद्धि हो गई है भूरी दोष गमन, ज्यादा दोष गमन हो गया हो तो ज्यादा अग्नि मान लो, मध्यम शुद्धि हुई है तो कम अग्नि मान लो, और हीन शुद्धि हुई है तो और कम अग्नि मान लो, ये अग्नि समीक्षण, अग्नि बल का समीक्षण करके एक दो या तीन अन्नकाल के लिए ये मंड पूर्वक यवागु की योजना करनी है। पहली आहार कल्पना मंड ही क्यों है, क्योंकि मंड के गुण कर्म में अभी हमने देखा है कि वो दोषानुलोमन करती है, वो शेष दोष का शमन करती है, वो स्त्रोतो मार्दव उत्पन्न करती है, इसलिए संसर्जन क्रम में पहली आहार कल्पना ये यवागु कल्पना ही है। आगे के अन्नकाल में चतुर्थे को अन्नकाले तथा विधानम एव शालित तंडुलानम उत्सविन्नम विलेपिम उष्णोदकम द्वितीयाम स्नेह लवण अल्प स्नेह लवणाम्बा भोजयेत,
चतुर्थी अन्न काल में क्या करना है, शाली तंडुल मतलब ओदन का यानी शाली तंडुल से निर्मित उष्णोदक अनुपान के साथ विलेपी की योजना करनी है। वो कैसी करनी है, अलवण स्नेह और अल्प लवण स्नेह, अल्प मात्रा में स्नेह और लवण, ये भी फिर अग्नि बल समीक्षण करके ही इसकी योजना करनी है कि ज्यादा अग्निमान्य हो तो अलवण स्नेह, कम अग्निमान्य हो तो अल्प लवण स्नेह से युक्त विलेपी उष्णोदक अनुपान के साथ देनी चाहिए। अगर उत्तम शुद्धि हो तो पंच और षष्ठान्न काल में भी यही देना चाहिए, और मध्यम शुद्धि हो तो दो दो ही अन्न काल इसकी योजना करनी। आगे सप्तम अन्न काल में, सप्तमे तो अन्न काले तथा विधानम एव शालीनाम द्विप्रसूतम सुस्विन्नम ओदनम उष्णोदक अनुपानम तनुना तनु स्नेह लवणोपपन्नेन मुद्गयूषेण भोजये। मुद्गयूष का सेवन करने का निर्देश है सप्तम अन्न काल में, और किसके साथ, ओदन के साथ सेवन करने का निर्देश है। अभी हम व्यवहार में सिर्फ बहुत से वैद्य मुद्गयूष का ही पान करने को कहते हैं और फिर उनकी क्षुधा का शमन नहीं होता है तो फिर अन्न काल इस तरह से बढ़ जाते हैं, पर यहाँ पे मुद्गयूष के साथ शाली का सेवन करने का उल्लेख मिलता है, ओदन का सेवन करने का उल्लेख मिलता है। उसी तरह अष्टमे और नवम अन्न काल में करना चाहिए उत्तम शुद्धि। दशम अन्न काल में, दशमे तो अन्न काले लावक पिंजलादीनाम अन्न तमस्य मांसरस रसेन ओदक लावणकेन नातिसारवता भोजये उष्णोदकानुपानम। इन मांसरस जो लावक पिंजलादि पक्षी और प्राणी है, मतलब जंगल मांसरस से बना हुआ मांसरस जो नातिसारवता हो मतलब ज्यादा गाढ़ा न हो, ऐसा मांसरस का सेवन दशम अन्न काल में करना है, और वो भी ओदन के साथ ही करना है और उष्णोदक अनुपान के साथ करना है, और वही आहार कल्पना एकादश और द्वादश अन्न काल में देनी है, एवं एकादश द्वादश अन्न काल में यही आहार कल्पना देनी है। इस तरह से अत ऊर्ध्वम अन्न गुणान क्रमेण उपभुंजानः प्रकृतिं भोजम आगच्छेत। इस तरह से क्रम से आते हुए प्राकृत भोजन की तरफ बढ़ना है। अभी ये सिद्धि स्थान में जो संसर्जन क्रम का उल्लेख मिलता है, पेया विलेपी मकुर्तम कृतम च युषम रसम त्रि द्वे अथ एकैकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध कायः प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्धः। यहाँ पे आहार कल्पनाओं का कृताकृतत्व और उसका काल विभाग इसका वर्णन मिलता है। अकृतयुष ये सब चक्रपाणी टीका में बताते हैं। अकृतयुष स्नेह लवणाद्य संस्कृतः मतलब स्नेह और लवण से युक्त नहीं है अकृतयुष, और स्नेह लवणादि संस्कृतः से स्नेह और लवण से युक्त जो युष है उसे कृतयुष कहते हैं। अभी यहाँ पे युष और रस का काल विभाग बताते हैं, कृतयुष का और अकृतयुष का। अत्र युष रस योस्तु यद्यपि काल विभागो नु प्रतिपादित तथापि युष कालत्रये रस कालत्रये च प्रथम अकृतस्य उत्तर काले च कृतस्य युषस्य एवं रसस्य अपि काल विभागः कथनीयः। यहाँ पे जो प्रधान शुद्धि में जो तीन अन्न काल बताए हैं युष के और मांस रस के, तो उसमें प्रथम अन्न काल में जो है वो अकृत युष देना है, और आगे के जो दो युष है वो कृत युष देने हैं, और मांस रस का भी उसी तरह से प्रथम मांस रस जो है वो अकृत देना है, और उसके बाद जो दो मांस रसों की योजना है वो प्रथम अवसरस देना है। उसी प्रकार मध्यम शुद्धि में जहाँ पे दो अन्न कालों का वर्णन है वहां पे प्रथम अन्न काल में अकृत और द्वितीय अन्न काल में कृत मांसरस और युष, और जहाँ पे एक ही अन्न काल का वर्णन है हीन शुद्धि में एक काले को पेयादि क्रमे यदि अभी कृताकृत युष रस यो काल विभागो न प्राप्यते, वहां कैसे काल विभाग करेंगे, तो तथा अपि एकस्मिन् एव काले उसी एक काल में स्तोक संस्करेण युष रसयोस्तत्र कृताकृतत्वं नेयम्। अल्प संस्कार युक्त युष और मांस रस की योजना करनी है। ये सभी काल विभाग जो है वो हमें अर्थात एक मार्गदर्शन किया गया है, पर रुग्ण का अभी समीक्षण करके ही हमें ये काल विभाग का
काल विभाग हमें डिसाइड करना है। अगर अग्नि कैसे है उसके उसी तरह से हम कृत और अकृतत्व की योजना कर सकते हैं। सुश्रुत संहिता में भी इसी तरह से संसर्जन क्रम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे जो उत्तम मध्यम और हीन शुद्धि है वो दोषों की मात्रा कितनी बाहर निकलती है शरीर से उसकी उसके ऊपर बताई गई है। त्रीणी चात्र प्रमाणानि प्रस्थो अर्धाडकम आडकम तत्र आवरम प्रस्थ मात्रम द्वे शेषे मध्यम उत्तमे। एक प्रस्थ मात्रा अगर दोषों की निकल रही है तो वो अवर मात्रा है, अर्धाड़क निकल रही है तो वो मध्यम मात्रा है और एक आड़क निकल रही है तो वो उत्तम मात्रा है। तो प्रस्थ मात्रा निकल गई है शरीर में से तो स्वल्प तंडुल यवागु मतलब पेया और मंड देना है एक अन्नकाल के लिए, और अर्धाड़क निकली हुई है तो दो अन्नकाल के लिए यही आहार कल्पना देनी है, और एक आड़क दोषों का शोधन हुआ होगा तो तीन अन्नकाल के लिए इस आहार कल्पना की योजना करनी है। आगे की आहार कल्पना में विलय पे उचिदात भक्ता चतुर्थांश कुर्तात तथा यहाँ पे बताया गया है कि जो जितने मात्रा में ओदन का अभ्यास करने की आदत है रुग्ण को उसके चतुर्थांश तंडुल से बनी हुई विलेपी आगे के तीन अन्न काल के लिए देनी है। दद्यात युक्तेन विधिना क्लिन्नम सिक्तम पिच्छिलम, वो कैसी होनी चाहिए, उसके सिक्त अच्छी तरह से क्लिन्न हुए हुए और अपिच्छिल ऐसे विलेपी की योजना करनी है। अस्निग्ध लवणम स्वच्छ मुद्गयूष युतम तथा उसके बाद के अन्न काल में स्वच्छ मुद्गयूष की योजना करनी है, और उसके साथ अंशद्वय प्रमाणेन दद्यात् सुस्विन्नम ओदनम, जितनी हर रोज की प्राकृत आहार में ओदन की मात्रा है उसके अर्ध प्रमाण में ही ओदन यहाँ पे यूष के साथ देना है। और उसके बाद के यूष में यूष को कृत करके देना है, ततस्तु कृत संज्ञेन हृदय इंद्रिय बोधिनः, हृदय आहार कल्पना देनी है, हृदय द्रव्य जो है उससे युक्त उस रुग्ण को जो रुचि उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य है उससे युक्त उससे कृत करके युष का प्रयोजन करना चाहिए। उसके आगे के अन्न काल में मांस रस देना चाहिए। इसके साथ जो ओदन सेवन करने का उल्लेख है वो जो अभ्यस्त मात्रा है उसके 1/3 ओदन सेवन करने का उल्लेख है। उसके बाद मांसरस के साथ भी 1/3 ओदन सेवन करने का ही उल्लेख है। ततो यथोचितं भक्तं भोक्तुं तस्मै विचक्षणः लावणेन हरिणादीनां रसेर दद्यात् सुसंस्कृतैः, जांगल रस मांसरस से युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। इस तरह से सुश्रुत संहिता में भी संसर्जन क्रम का उल्लेख मिलता है। तो उत्तम शुद्धि में प्रथम तीन अन्न काल मंड प्रधान यवागु और स्वल्प तंडुल यवागु का वर्णन मिलता है। उसके बाद अच्छी तरह से क्लिन्न हुए सिक्त और अपिच्छिल ऐसे विलेपी की योजना करनी चाहिए। उसके बाद तीन अन्न काल के लिए युष की योजना है तो उसमें प्रथम अन्न काल में अकृत युष और ओदन, और आगे के दो अन्न काल कृत युष और ओदन, उसके आगे के तीन अन्नकाल मांस रस देने हैं, उसमें से प्रथम मांस रस अकृत रस मांस रस और उसके साथ ओदन, और आगे कृत मांस रस और उसके साथ ओदन। और ये जो कृत करने वाली चीजें है इसमें रुद्ध और आहार में रुचि उत्पन्न करने वाले जो औषधि द्रव्य है उनसे कृत करके ये आहार कल्पना योजनी चाहिए और फिर प्राकृतिक भोजन पे आना चाहिए। अभी अष्टांग संग्रह में जो एक संदर्भ मिलता है वो है भोजनम ही प्रति अहम उभय कालम प्रतिष्ठितम, एक दिन में एक अह में दो ही भोजन काल बताए गए हैं। जैसे कि आज के हम भोजन का स्वरूप देखें तो दिन में 3-4 बार जो भोजन काल होता है उस तरह से इन आहार कल्पनाओं की योजना नहीं करनी है। एक दिन में दो ही अन्न काल अपेक्षित है ग्रंथकारों को। ये जो सामान्य संसर्जन क्रम का उल्लेख दिखता है उसी तरह तर्पण आदि क्रम भी हम ग्रंथ में देख सकते हैं। वो कहाँ देना चाहिए, उसकी अर्हता क्या है,
कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मद्यपे वात वैदिके तर्पणादि क्रमम कुर्यात् पेया अभिशन्देतिता। जिस रुग्ण में कफ पित्त प्रधानता हो और उसका शोधन अल्प मात्रा में हुआ है हो, जो रुग्ण मद्यपी है, जिस रुग्ण में वात पित्त प्रधानता है, ऐसे रुग्ण में संसर्जन क्रम की जगह तर्पण आदि क्रम की योजना करनी चाहिए। क्यों? तो ये जो पहले यवागु कल्पनाएं हैं वो कोष्ठ में अभिशंद स्रोतसों में अभिशंद उत्पन्न करते हैं, तो वहां पे पेया स्थान में स्वच्छ तर्पण की योजना करनी है जो लाजा से बनती है और विलेपी स्थान में घन तर्पण की योजना करनी है। यहाँ पे यवागु कल्पना ही नहीं देने का निर्देश है क्योंकि इससे अभिशंद निर्माण होता है। सुश्रुत संहिता में भी यही उल्लेख मिलता है कि कफ पित्ताधिकान मद्यान नित्यान हीन विशोधिता। कफ पित्त प्रधान अवस्था मद्य नित्य और जिसका कम मात्रा में विशोधन हुआ है और उनमें तर्पण आदि क्रम देने का निर्देश है क्योंकि पेया अभिशंद यवागु कल्पना अभिशंद निर्माण करती है। मध्यनिस्तस्तान हीन विशोधितान पेया अभिशंदयेत अभिशन्य स्त्रोतस्कान कुर्यात्। स्त्रोतसों में अभिशंद निर्माण करती है पेया, इसलिए प्रथम अन्नकाल में लाज सत्तु की योजना करनी है और उसके बाद यूष भक्ताधिकमिति, उसके बाद यूष से आगे की जो संसर्जन क्रम है वो उसी तरह उसकी योजना करनी है। सिर्फ यवागु कल्पना की जगह तर्पण की योजना करनी है। अष्टांग संग्रह में भी यही, अष्टांग रुद्रे में भी यही उल्लेख मिलता है कि सुताल्प पित्त श्लेष्पाणाम मद्यपम वात वैतिकम पेयम न पाये तेषां तर्पणादि क्रमोहितः। यहाँ पे भी जिस रुग्ण में अल्प पित्त श्लेष्म का कम मात्रा में विशोध पित्त और श्लेष्म का कम मात्रा में विशोधन हुआ हो उन रोगों में तर्पणादि क्रम करने का निर्देश मिलता है। यहाँ पे तर्पणादि क्रम में अरुण दत्त ने आगे का युष माउसरस ये योजना करने को ही नहीं कही है, सिर्फ प्रथम अन्न काल में लाज सत्तु और द्वितीय अन्न काल में माउसरस उदन इस तरह से ही उल्लेख मिलता है। दो तीन अन्न काल के ही तर्पणादि क्रम का निर्देश अरुण दत्त करते हैं। हिमाद्री भी वही कहते हैं कि अल्प दोषों का शोधन हुआ है तो तर्पणादि क्रम करना चाहिए। तो उत्तम शुद्धि में तर्पणादि क्रम कैसे होगा? पहले तीन अन्न काल स्वच्छ तर्पण, आगे के तीन अन्न काल घन तर्पण और युष से आगे जैसे है वैसे ही योजना करनी चाहिए और प्राकृत भोजन पे आना चाहिए। आगे संसर्जन क्रम से आगे अभी प्राकृत भोजन की तरफ रुग्ण जब बढ़ता है तभी बीच में कुछ योग्य रस से युक्त आहार दिया गया तो जो कुछ भी कोष्ठ में दोषों की अवस्था है वो प्राकृत हो जाती है, इसलिए रसाभ्यास क्रम का वर्णन मिलता है। अग्नि संदूक्षणार्थं तु पूर्वं पेयादीनां विषयक रसोत्तरेण उपचरित क्रमेण क्रमोपविदः। जिसके अंत में मांस रस है मतलब पेयादि क्रम और तर्पण आदि क्रम और निरुह के बाद ओदन और मांस रस, ओदन और युष ये जो आहार सेवन करने का निर्देश है, तो जिसके उत्तर स्थान में मांस रस है उनको अगर प्राकृत भोजन पे आना है तो उनके लिए रसाभ्यास क्रम बताया हुआ है। तो यहाँ पे चक्रपाणि टीका करते वक्त कहते हैं कि रसोत्तरेण उपचरित इति अत्र रसः मांस रूप उत्तरे यस्मिन्। जिसके उत्तर भाग में मांस रस है मतलब पेयादि क्रम संसर्जन क्रम पेयादीनां रसोत्तरेण क्रमेण किंवा वमन विरेचनयोनन्तरे पेयादीनां क्रमेण उपचरेत निरुहे तु रसोत्तरेण इति व्यवस्था। मतलब वमन विरेचन के बाद जो संसर्जन क्रम किया जाता है और निरुह के बाद बीजो रसोदन ये जो आहार दिया जाता है और एक अवस्था बताई है कि वमन करने के बाद अगर विरेचन फिर से करना है तो संसर्जन क्रम खत्म होने के बाद फिर से स्नेह पान की शुरुआत होगी तो वहां पे रसाभ्यास क्रम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वमन और विरेचन होने के बाद आगे अभी किसी भी तरह का शोधन अपेक्षित नहीं है और फिर प्राकृत भोजन पे आना है तो रसाभ्यास क्रम करने का निर्देश है। तो ये रसाभ्यास क्रम कैसे करना चाहिए? स्निग्ध अम्ल स्वादु
और रुध्य आहार प्रथम देना चाहिए, उसके बाद अम्ल और लवण रसात्मक आहार का सेवन करने का निर्देश है, उसके बाद स्वादु और तिक्त रसात्मक आहार, और उसके बाद कषाय और कटु रसात्मक आहार सेवन करो, इस तरह से कहा है। और फिर अन्योन्य प्रत्ययनिक रस, मतलब वृक्ष, स्निग्ध, गुरु लघु, ऐसे रसों का रसों की योजना करके प्राकृत आहार पे आना है। तो इसका उद्देश्य क्या है रसाभ्यास क्रम का? तो प्राकृत भोजनार्थम और बल आप्यायनार्थम, बल की वृद्धि के लिए इस तरह का रसाभ्यास क्रम का उल्लेख मिलता है। तो इस रसाभ्यास क्रम से क्या होता है, इसका वर्णन चक्रपाणी करते हैं। पक्वाशय स्थित वात प्रशमनार्थम अम्ल और मधुर रसात्मक आहार प्रथम लेने का निर्देश है, उसके बाद अग्नि संदूक्षणार्थ अम्ल और लवण रस का आहार लेना है, उसके बाद पित्त प्रशमनार्थ स्वादु और तिक्त रसात्मक आहार लेना है, और पित्त ऊर्ध्वस्थित कफ प्रशमनार्थ कषाय और कटु रस का आहार लेना है, और फिर अन्योन्य प्रत्ययनिक रस लेके प्राकृत भोजन पे आना है। इस तरह से संसर्जन क्रम खत्म होने के बाद जब प्राकृत आहार पे आना है तो वो प्राकृत आहार लेते वक्त ही इस रसाभ्यास क्रम का क्रम की योजना करनी है, और वो इस तरह से करनी है, पहले अम्ल और मधुर, अम्ल लवण, स्वादु तिक्त और कषाय कटु। उसके बाद व्याधिन रूप संसर्जन क्रम के बारे में देखेंगे। ग्रंथों में उदर, कृमि, गुल्म, रक्तपित्त, कास, इन व्याधियों में वमन और विरेचन होने के बाद कुछ औषधों से युक्त पेया विलेप व्याधि संसर्जन क्रम करने का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ ग्रंथकारों को व्याधिन रूप संसर्जन क्रम की अपेक्षा है, उस तत्त व्याधियों में तत्त दोष प्रत्ययनिक औषध से युक्त पेयादि क्रम करना, ये ग्रंथकारों के अपेक्षित है। ऐसे बहुत से संदर्भ देखे जाते हैं। ये संदर्भ हमने पहले देखा है कि सुषुध छर्दी चिकित्सा में संसर्गश्च अनुपूर्वेण यथास्वं भेषजायुथम, ये जो संसर्जन क्रम में आहार कल्पनाएं हैं वो तत्तद दोषो प्रत्ययनिक औषध से युक्त, ऐसी उनकी योजना करनी है। इसका मतलब शेष दोष शमन अच्छी तरह से हो जाए, ये अपेक्षा है। तो कुछ संदर्भ व्याधियों में मिलते हैं। रक्तपित्त में शुद्धस्य अनंतरो विधि यथास्वं मंथपेयादि प्रयोज्यो रक्षताम्बलम्। ऊर्ध्वगर रक्तपित्त में विरेचन और अधोगर रक्तपित्त में वमन होने के बाद वहां पे तर्पणादि क्रम का उल्लेख मिलता है, क्योंकि आमाशय में ज्यादा अभिशंद और क्लेद उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहां पे तर्पणादि क्रम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ तर्पणादि क्रम मंथ ज्वरोक्त द्राक्षादि पित्तघ्नेर वा फलयुतः, जो ज्वरोक्त पित्तघ्न द्रव्य बताए गए हैं, द्राक्षा, परुषक, पद्मक, मृद्विका, इस द्रव्यों से युक्त ये जो लाज सप्पु, लाज तर्पण, घन तर्पण और युष, मांसरस, ये है, ये पित्तघ्न द्रव्यों से सिद्ध करके पूर्ण करके उनकी योजना करनी है, जिस वजह से रक्तपित्त में जो विशिष्ट दोषों का समूह है उसका शमन हो जाए। शोधन के बाद जो कुछ भी शेष दोष है उनका शमन होने के लिए इस तरह से संसर्जन क्रम की योजना करनी है। पित्तज काश में भी ये संदर्भ मिलता है। ऋत दोषो हिमम स्वादु स्निग्धम संसर्जनम भजे, ऋत दोष होने के बाद शीत, स्वादु और स्निग्ध गुणात्मक औषधों से युक्त संसर्जन क्रम करना है, और जिस पित्तज काश में घन कफ है, घने कफे तू शिशिरम वृक्षम तिक्तोपसंहृतम, घन कफ जहाँ पे पित्तज काश में है वहां पे शीत, वृक्ष और तिक्त रस से युक्त संसर्जन क्रम करना है। अरुण दत्त भी यही बताते हैं कि जिस पुरुष में दोषों को निकाला गया है पित्तज काश में, वहां पे विरेकचन कर्म के अनंतर हिम, मधुर और स्निग्ध रसात्मक संसर्जन क्रम करना चाहिए। यहाँ पे हेमाद्री जास्त अधिक तरह से स्पष्ट करते हैं कि जहाँ पे तनु कफ है वहां पे शीत, स्वादु और स्निग्ध रसात्मक औषधों से युक्त संसर्जन क्रम, और जहाँ पे घन कफ है वहां पे शीत, तिक्त और रुक्ष रसात्मक औषधों से युक्त संसर्जन क्रम करना चाहिए।
उसी तरह कफज कास में तीक्ष्ण वमन विरेचन होने के बाद बलवान रुग्ण को संसर्जन क्रम करने की योजना कही गई है, तो वो संसर्जन क्रम करते वक्त यव ये शुकधान्य है, शुकधान्य से यवागो कल्पना बनती है, तो यहाँ पे जो पेया विलेपी करनी है वो यव धान्य से करनी है, यवागु कल्पनार्थ यव की योजना करनी है। मुद्गकुलत्थ ये शिम्भी धान्य है, तो युष कल्पना करने के लिए मुद्गकुलत्थ इन शिम्भी धान्यों का उपयोग करेंगे। और उष्ण रुक्ष कटुत्कटैः, उष्ण रुक्ष और कटु युक्त ये सिद्ध आहार कल्पना होनी चाहिए। और जो कासधन द्रव्य बताए गए हैं, कासमर्द बृहति व्याघ्री क्षार और पिपली, इनसे युक्त ये सब यवागु और युष कल्पनाएं और मांस रस देनी चाहिए। धान व बैल रस ही, मांस रसार्थ कौन सा मांस का उपयोग करना चाहिए, तो जांगल मांस रस और बिलेशय मांस का उपयोग करना चाहिए। और इन आहार कल्पनाओं को कृत करने के लिए जो स्नेह है वो भी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि तिल तेल सरषप तेल और निम्ब तेल, स्नेह ही तिल सरषप निम्ब जही, इनको हमें योजना चाहिए। पर हम ये कहाँ इनकी योजना कहाँ कर सकते हैं, तो ये आहार कल्पना पूर्त करने के लिए हम इन स्नेहों का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से पित्तज रोग रोग में भी विरेचन करने के बाद पित्ते द्राक्षे इक्षु निर्यास सीताक्ष उदर परुष कही युक्तो विरेको रुद्धय स्रमः शुद्धे च पित्तः, पित्तग्न द्रव्य से युक्त आहार कल्पनाओं की योजना करनी चाहिए। और वो आहार कल्पनाएं और वो जो कृत करने के लिए जो हम द्रव्य का उपयोग करेंगे वो रुद्ध होने चाहिए, तो पित्तग्न द्रव्य से युक्त आहार कल्पना देनी चाहिए। मदात्यय में भी संसर्गी तर्पणादि परमहिता, यहाँ पे तर्पणादि क्रम करने का उल्लेख है, तथा अग्निर्दीप्यते तस्य दोष शेषान्न पाचन, यहाँ पे शेष दोष का पाचन पेयादि क्रम मतलब तर्पणादि क्रम से करने का निर्देश मिलता है। कफज ग्रहणी में ग्रहण्याम श्लेष्म दुष्टायाम तीक्ष्ण ही प्रच्छर्दन कृते कटवम्ल लवण क्षार ही क्रमादग्नि विवर्धये, कफज ग्रहणी में भी वमन और लंघन होने के बाद संसर्जन क्रम करना है, क्रमाग्नि वृद्धि करनी है, और वो आहार कल्पनाएं कटु अम्ल लवण और क्षार इन द्रव्यों से युक्त होनी चाहिए, जिससे जो शेष कोष्ठ में जो शेष कफ दोष है उसका शमन होके कफज ग्रहणी में अग्नि वृद्धि अच्छी तरह से हो, ये उसके उसका उद्देश्य है। उसी तरह कफज गुल्म में प्रथम वमन करना चाहिए और जो अवम्य है उनमें उपवास करना चाहिए, श्लेष्मजे वामये पूर्वम अवम्यम उपवासये, और उसके बाद तिक्तोष्ण कटु संसर्गया वंदिम संदुक्षये ततः, तिक्त उष्ण और कटु रसात्मक द्रव्यों से संसर्जन क्रम योजना चाहिए। हिंगवादि भिश्च द्विगुण क्षार हिंगु अम्लवेत से, हिंगवादि चूर्ण जो बताए है वो भी हम युक्ति से उस संसर्जन क्रम में इसकी योजना कर सकते हैं आहार कल्पना कृत करने के लिए। यहाँ पे अरुणदत्त टीका करते हैं कि तिक्तोष्ण कटु द्रव्य युतया संसर्ग वंदिम दीपये, वंदी दीपन किस तरह से करना है, तो इन द्रव्यों से युक्त संसर्जन क्रम करके वंदी दीपन करना है। उसी तरह कफज उदर में स्निग्धम स्विन्नम विशुद्धम तु कफोदरिणम आतुरम, शोधन होने के बाद कफज उदर के रुग्ण में कटुक्षार युक्त अन्न से युक्त और कफ नाशक अन्न से युक्त संसर्जन क्रम करना है। अष्टांग रुद्र में भी यही उल्लेख मिलता है कि संसर्जय कटुक्षार युक्त अन्न ही कफापय, कफज उदर का जो रुग्ण है उनमें विरेचन करने के बाद संसर्जय कटुक्षारम युक्त अन्न ही कफापय, कटुक्षार अन्न युक्त संसर्जन क्रम करना चाहिए। उसी तरह कृमि में भी निर्देश मिलता है कि कृमि में जैसे हम शोधन प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, ये कृमि की जो चिकित्सा सूत्र है, तो यहाँ पे प्रकृति विघात कर जो द्रव्य है उनसे युक्त कृमि का संसर्जन क्रम की योजना करनी चाहिए। कृमि में शोधन होने के बाद पंचकोल युक्त पेया विलेप्यादि क्रम की योजना करनी चाहिए।
अभी जो संसर्जन क्रम में आहार कल्पनाएं देखी जाती है उनके बारे में देखेंगे। मंडस्तु दीपयति अग्निम वातम चापि अनुगमयति। मंड ये जो आहार कल्पनाएं है वो संसर्जन क्रम में प्रथम स्थान पे ही क्यों है, पहले यूष की योजना क्यों नहीं कही गई। यूष भी लघु ही अन्न है, मांसरस भी लघु ही है, पर मंड के कुछ गुणधर्म ऐसे है जो प्रथम अन्न काल में ही उसकी योजना करनी जरूरी है। तो मंड अग्नि दीपन करती है, दोषों का अनुलोमन करती है, मृदु करोति स्रोतसाम, जो स्रोतों से काठिन्य उत्पन्न होता है तो उसको मृदु करती है। स्वेदम जनयंती अपि लंघितानाम विरिक्तानाम जीर्णे स्नेहे च तृष्यता, जिनमें लंघन हुआ है, विरेचन हुआ है उनमें, और जिनका स्नेह जीर्ण हुआ है मतलब स्नेहपान जिनमें किया गया है उनमें मंड की योजना करनी चाहिए। मंड दीपन है, दीपनत्वात् लघुत्वाच्च मंड स्यात् प्राणधारणः। ये मंड प्राण धारण करने का कर्म करता है। इस पर टीका करते हुए भी चक्रपाणि करते हैं कि लंघन वमन विरेचन आदि के बाद जो दौर्बल्य आता है प्राण वृद्धि करने के लिए मंड की योजना की गई है, इसलिए मंड इस आहार कल्पनाओं का प्रथम अन्न काल में ही निर्देश किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि ये सब गुण कर्म उसमें दिखाई देते हैं। मंडो वातानुलोमन दृढ़ ग्लानी दोष शेषघ्न पाचनो धातु सम्यक। ये जो सब मंड के गुणधर्म है, वातानुलोमन, दोष शेषघ्न, धातु सम्यक, स्त्रोतो मार्दवपुर और अग्नि संदूक्षण करना, स्त्रोतो मार्दवपुर स्वेदी संदूक्षति चालन अनलन, ये हमने देखा है कि मंड का गुणधर्म है कि शेष दोष का शमन करना। शेष दोष वमन विरेचन के बाद जो शेष दोष बचे हैं उनका शमन करने के लिए मंडये आहार कल्पना का उपयोग हो सकता है। इसी तरह से सिर्फ शोधन के बाद ही नहीं, सिर्फ शोधन से ही क्षपण शरीर का क्षपण नहीं होता। जहां जहां भेषज से शरीर का क्षपण हुआ है और वहां पे अगर दोष शेष बचे हुए हैं, ऐसे चिकित्सा के अवस्था में भी हम मंड का मंड की योजना कर सकते हैं। ऐसे रुग्ण में भी व्यवहार में चिकित्सा में जहाँ पे हम साक्षात शोधन नहीं करते हैं पर वहाँ हम भेषज से उसका अपतर्पण करते हैं और बचे हुए दोषों का शमन करने के लिए भी हम मंड ये आहार कल्पना इस आहार कल्पना की योजना कर सकते हैं। इस तरह से धातु साम्य कर, स्त्रोतो मार्दव कर, वन्नी दीपन, ये सब गुण मंड के है। हेमाद्री टीका करते वक्त कहते हैं असिक्तो द्रवो मंडः, जिसमें ओदन के सिक्त नहीं है ऐसा जो द्रव भाग है वो मंड है। ससिक्तो यवापि, जो सिक्त के साथ जो हर कल्पना है शुकदान्न से बनी हुई वो है यवापि। उस यवापि के दो प्रकार है, साध विविधा, अल्पसिक्ता पेय, जिसमें अल्पसिक्त है उसे पेय कहते हैं, और बहुसिक्ता विलेपी, और अद्रवाणी सिक्तानि, जहां पे द्रव भाग नहीं है सिर्फ सिक्त ही है वो है ओदन। और ये मंड के गुण हमने देखे ही है, दोष शेष, धातु साम्यकृत, स्रोतो मार्दवपुर और काठिन्य शमन। इस तरह से मंड ये आहार कल्पना का बहुत ही ज्यादा महत्व है संसर्जन क्रम के प्रथम तीन अन्न काल में उसकी योजना करने के लिए। पेया क्षुतृष्णा ग्लानी दौर्बल्य कुक्षी रोग ज्वरापहा स्वेदाग्नि जननी पेया वातवर्षानुलोमिनी। अभी हमने देखा कि पेया ये भी एक मंड कल्पना है, अल्पसिक्त से युक्त ये मंड कल्पना है। हम रोगों के अनुसार भी इस मंड का अभी यहाँ पे कुक्षी रोग और ज्वर, कुक्षी रोग अतिसार, अतिसार की आहार में भी हम पेया मतलब शोधन हुआ हो या न हुआ हो पर इन आहार कल्पना को हम और कहाँ कहाँ चिकित्सा में उसकी योजना कर सकते हैं। तो जहाँ पे दौर्बल्य है, अतिसार है, ज्वर है और वर्च अनुलोमन की अपेक्षा है, विबंध है वात और वर्च का, वहां पे भी हम पेया का उपयोग कर सकते हैं चिकित्सा में। शुत्रुष्णा ग्लानी दौर्बल्य कुक्षी रोग ज्वरापहा मलानुलोमिनी पथ्या पेया दीपन पाचन, दीपन और पाचन करने वाली ये पेय आहार कल्पना है। अरुण दत्त कहते हैं मलान वातादीन अनुलोमयति स्वमार्गस्थान करोति,
जो अपने स्थान से चलित हो गए हैं दोष, उनको स्वमार्ग में पेय से ये दोष स्वमार्गस्थ हो जाते हैं। विलेपी बहुसिकता, ये वागु कल्पना ही है पर उसमें अभी सिक्त का प्रमाण ज्यादा है। तर्पणी ग्राहिणी लघ्वी रुद्ध्याचापि विलेपिका, अभी स्रोतो मार्दव आ गया है, दोषों का अनुलोमन हो गया है, अग्नि वृद्धि हो गई है, तो अभी क्षुद्ध वृद्धि भी क्षुधा भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस रुग्ण का तर्पण होने के लिए पर वही रुद्ध आहार कल्पना है, जरण होने में लघु है, तो ऐसी आहार कल्पना आगे उसकी योजना करनी चाहिए। तो यह विलेपी अल्पसिकता, विलेपी तर्पणी रुद्या ग्राहिणी बलवर्धिनी, ये बल का भी वर्धन करेगी। पथ्या स्वादु रसालघ्वी दीपनी क्षुत्रशापहा, क्षुधा और तुषा का शमन करने वाली है। आगे आगे जैसे संसर्जन क्रम में क्षुधा की वृद्धि होती जाती है, उसका शमन करने के लिए अभी वही आहार कल्पना मंडही की योजना करके नहीं चलेगा, क्षुधा का शमन करने वाली आहार कल्पना योजनी पड़ेगी, इसलिए वहां पे आगे विलेपी की योजना की गई है। व्रणाक्षिरोग संशुद्ध दुर्बल स्नेहपायिना, जिसमें स्नेहपान किया गया है, व्रण और अक्षिरोग के जो रुग्ण है वहां पे भी, और जो दुर्बल है क्योंकि ये बल बढ़ाती है, तो ऐसे रुग्ण में विलेपी की योजना करनी चाहिए। युषक अकृतम कृत युषम च तनु संस्कारिकम रसम सूपम अम्लम अनम्लम च गुरु विद्या यथोत्तरम। अकृतयुष कृतयुष और अल्प मात्रा में संस्कारित किया हुआ मांसरस, ये उत्तरोत्तर गुरु है, ऐसे चरकाचार्य कहते हैं, इसलिए उनकी योजना भी पहले अकृतयुष कृतयुष और फिर मांसरस, इस तरह से संसर्जन क्रम में देखती है, एक लघुतर लघुतम और फिर धीरे धीरे गुरु आहार कल्पना की तरफ संसर्जन क्रम बढ़ता हुआ दिखता है। कफग्नो दीपनो रुद्ध्या शुद्धानां व्रणिनां अपि नेयः पथ्यम पथ्यतमश्च एव मुद्गयुष कृताकृतः। कृत और अकृत मुद्गयुष कैसा है, वो कफग्न है, दीपन है, रुद्ध्य है, आहार में रुचि उत्पन्न होने के लिए रुद्ध्य आहार कल्पना देनी जरूरी है। जिनका शोधन हो चुका है और जो व्रणित है, ऐसे रुग्णों के लिए हितकारक ऐसा ऐसी युष आहार कल्पना है। मधुगस्तु पथ्य संशुद्ध व्रण कंठाक्षी रोगिणी, कंठ और अक्षी रोगिणी के जो रोगी है उनके लिए भी युष ये आहार कल्पना बहुत जरूरी है। ओदन, ओदन कैसे होने चाहिए, सुधवता अच्छे से धुए हुए तंडुलों से बना हुआ, प्रसुत जिसको पहले भिगो के रखा हुआ है तंडुल, स्विन्ना अच्छी तरह से उसका स्वेदन किया हो, जो गले हुए हो। संततश्च ओदनौ लघु भ्रष्ट तंडुलम इच्छन्ति गर श्लेष्मा मयेषु च, गर मतलब विष रोग में और श्लेष्म रोग में वही तंडुल को भ्रष्ट करके मतलब रोस्ट करके लेना चाहिए, वो और लघु हो जाते हैं और जो भी कुछ अभिषंद निर्माण होता है उन आहार यवागु कल्पना से वो भी कम निर्माण होगा, अगर भ्रष्ट तंडुल यवागु कल्पना और ओदन करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। तो अधौतो अप्रसुतो अस्विन्नः शीतश्च अपि ओदनो गुरुः, इस तरह से बनाया हुआ ओदन कैसे होता है, जिसको जो तंडुल धुए नहीं हो, जो अप्रसुतो भिगो के नहीं रखे हो, जो अच्छी तरह से जिसका स्वेदन नहीं किया हो और ठंडे हुए ओदन, ये कैसे है, गुरु है। सुश्रुताचार्य भी वही कहते हैं, जो धौतस्तु विमलः शुद्धम मनोज्ञः सुरभिः समः स्विन्नः सुप्रसुतस्तु उष्णो विशदस्तु ओदनो लघु, इसी तरह से कहते हैं कि जो अच्छे तरह से धुए हुए हैं, स्विन्न हुए हैं, वो ओदन लघु होते हैं, रुद्ध होते हैं। मांसरस प्रीणन रस धातु का जो महत्वपूर्ण कर्म है, धातुओं की वृद्धि करने के लिए ये मांसरस प्रीणन कर्म करने में उत्कृष्ट है, रुद्ध है। शुष्यताम व्याधि मुक्तानाम कृशानाम क्षीण रेतसा, जो कार्श इस व्याधि से पीड़ित है और जो व्याधि मुक्त हुए हैं, पर कृश है, क्षीण रेतस है, जो जिनको बल और वर्ण की प्राप्ति करनी है, बल वर्णार्थी नाम चाहिए, वह रसम विद्यात यथामृत सर्व रोग प्रशमनम यथास्वम विहितम रसम, यही मांसरस उस दोषों तत्त दोषों के
प्रत्यनिक औषध से युक्त अगर दिए जाए तो वो सर्व रोग प्रशमन करने वाले हैं। विद्या स्वर बल परम वयो बुद्धि इंद्रिय आयुष, स्वर और बल को बढ़ाने वाले हैं। वय आयुष्य बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि और इंद्रियों को इनका वर्धन करने वाले हैं। व्यायाम नित्याः स्त्री नित्याः मध्य नित्याश्च येनः, जो पुरुष व्यायाम नित्य है, नित्य व्यायाम जो करते हैं, जो स्त्री नित्य है, मध्य का सेवन जो नित्य करते हैं, ऐसे जो नर है उनको मांस रस का सेवन करना चाहिए। लाजमंडल जहाँ पे हम तर्पण आदि क्रम देखते हैं वहां पे लाजमंड स्वच्छ तर्पण और घन तर्पण का उल्लेख मिलता है। तो ये जो लाजमंड है उसका गुणकर्म बताते वक्त कहते हैं लाजमंडो अग्निजनन, अग्निजनन करने वाला है। दाह मूर्छा निवारण, हमने जहाँ पे वो कंडीशन देखे थे वात पित्त प्रधान और मद्यपी, वहां पे इस तरह की आहार कल्पना की योजना करनी चाहिए। मंदाग्नि और विषमाग्नि, जहाँ पे विषमाग्नि है वहां पे भी लाजमंड की योजना करनी चाहिए। बालस्थविर योषिता, बाल रुग्णों में और जिनको विष की बाधा हुई है और स्त्री रुग्णों में लाजमंड की योजना करनी चाहिए। देयश्च सुकुमाराणाम लाजमंड सुसंस्कृतः, वो लाजमंड भी तैयार करते वक्त उसमें योग्य औषधों से युक्त सुकुमार रुग्णों को लाजमंड देना चाहिए। लाजपेय लाजपेयाश्रमग्निस्तु क्षाम कंठस्य देहिनः, जिसका देह और कंठ क्षाम है, श्रम से जिसको दौर्बल्य प्राप्त हुआ है, ऐसे रुग्ण में लाजपेया का उपयोग करना चाहिए। कृष्णातिसार शमनु धातु साम्य कर शिरा, ये भी धातु साम्य कर है, कृष्णा और अतिसार का शमन करने वाली है। इस तरह से इन आहार कल्पनाओं के गुणकर्मों को देखने के बाद संसर्जन क्रम में इसकी योजना क्यों करी गई है, किस उद्देश्य की गई है, ये सब हमें समझ में आता है। आज जो संसर्जन क्रम में नए नए आहार कल्पनाओं का एडिशन किया जाता है और एक ही दिन में 3 और 4 बार आहार कल्पनाएं दी जाती है, पर संसर्जन क्रम की मूल संकल्पना क्या है, क्यों संसर्जन क्रम किया जाना चाहिए और इन्हीं आहार कल्पनाओं से इन्हीं क्रम से क्यों करना चाहिए, ये सब इन आहार कल्पनाओं के गुणकर्मों को समझने के बाद हमें पता चलता है। तो और व्याधि अनुरूप संसर्जन क्रम भी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शोधन होने के बाद जो शेष दोष कोष्ठ में बचते हैं, जो फिर से व्याधि उत्पत्ति कर सकते हैं छोटे से हेतु सेवन के बाद, तो उनका भी शमन होने के लिए हम व्याधि अनुरूप संसर्जन क्रम की योजना करेंगे तो व्याधि का शमन अच्छी तरह से हो जाएगा। इस तरह से संसर्जन क्रम के बारे में हमने देखा। अभी किसी को शंका होगी तो हम देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर दीज आहार कल्पना। आहार कल्पनाओं के बारे में शारंगधर संहिताओं में भी उसमें जल का प्रमाण कितना होना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। पेया के लिए जितना तंडुल लेना है, अभी सुश्रुताचार्य जो कहते हैं कि विलेपी के तंडुल का भी प्रमाण सुश्रुताचार्य ने दिया है कि जो अभ्यस्य मात्रा है, हर रोज ओदन सेवन करते हुए जितनी मात्रा है उसके चतुर्थांश तंडुल से जितनी तंडुल होते हैं उनकी उतनी ही विलेपी देनी है। तो इस विलेपी में उसको स्विन्न करते वक्त, मतलब पकाते वक्त, उसमें चतुर्गुण जल का निर्देश शारंगधर संहिता में मिलता है। पेया और युष करने के लिए उस धान्य के 14 पट पानी उसमें डालना है उसको बनाते वक्त। तो ये आहार कल्पना उसी तरह से मिलती है। और जब सिद्ध आहार कल्पना करनी है, एक तो उसमें प्रक्षेप हम ऐड कर सकते हैं और जब उसको हम उबालते हैं तभी भी उसमें दोषघ्न द्रव्य डाल के उसको सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये रेसिपीज बना सकते हैं। एंड पीपल हु आर एडिक्टेड टू टोबैको और टी शुड दे बी अलाउड टू टेक इट ड्यूरिंग? नो, ऑब्वियसली नॉट अलाउड, क्योंकि ये सभी भी अग्नि को हमें क्रमाग्नि वृद्धि करनी है, शेष दोष शमन करना है, धातु साम्य प्रस्थापित करना है। तो ये सब जो टोबैको और टी है, इससे तो धातु साम्य
मतलब संसर्जन प्रेम का कोई उद्देश्य सॉल्व नहीं होता और दोष वृद्धि होगी इससे, इसलिए और अग्निमांद्य भी हो सकता है। तो ये आहार कल्पनाएं कि व्यतिरिक्त कोई भी चीज और जल जलपान के व्यतिरिक्त कोई भी चीज आइडियली संसर्जन क्रम में नहीं देनी चाहिए, बिकॉज दे गेट हेडेक, इफ ये मानसिकता होती है। उत्तम शुद्धि हुई है या भूख लग रही है तो क्या संसर्जन क्रम में पेया आदि को 2 टाइम से ज्यादा दे सकते हैं? नहीं, वहां पे यवागु कल्पना देनी है और उसके साथ साथ मंडपूर्व यवागु, ऐसा वहां पे उल्लेख है। मतलब यवागु कल्पना देनी है पर मंड के साथ देनी है, इसका मतलब वहां पे सिर्फ पेया की ही योजना करनी है ऐसी बात नहीं है। अगर अग्नि बल का समीक्षण करके आपको लग रहा है कि वहां पे अग्नि बल अच्छा है तो यवागु कल्पना के साथ आप बहुत ज्यादा मंड, ऐसे दोनों आहार कल्पना एक साथ आप उपयोगी उपयोग उसका कर सकते हैं। तो फिर क्षुधा शमन होने तक तो करना ही है ना, तो एक दिन में 4-5 अन्नकाल हो जाएंगे। हमने अभी देखा है कि एक दिन में 2 ही अन्नकाल होते हैं, इसलिए ये पेया युष इसके साथ ओदन देने का निर्देश है। कैन अदर मेडिसिन लाइक वंग और स्वर्णमाक्षिक आइडियली नहीं देना चाहिए, और अगर आपको दोषघ्न द्रव्य देने हैं तो उस आहार कल्पनाओं में हम डाल सकते हैं ना, अगर कुछ कफघ्न औषध देना है और पित्तघ्न औषध देना है तो हम उस आहार कल्पनाओं में शुंठी सिद्ध पेया और पंचकोल सिद्ध पेया और पिप्पली सिद्ध त्रिकटु सिद्ध पेया युष ऐसे दे सकते हैं, और उससे हम उस तत्त दोषों का शमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रस औषधि ही क्यों उसका देना है? और हमने ये भी देखा है कि भेषज क्षपित आहार आहार से ही ग्रहण करना है, वहां पे औषध उसका वापर ही नहीं करना है, उपयोग नहीं करना है औषध का। तो संसर्जन क्रम में मेडिसिन नहीं देना है क्योंकि वो दुस्सह है। फलाहार एनी कैन गिव लाइक दाढ़ी में सिद्ध युष दे सकते हैं ना, आमलकी दाढ़ी में इन फलों से सिद्ध युष सिद्ध मांस रस ये दे सकते हैं। बाकी सब फल के जो स्वरस है वो गुरु है, स्वरस गुरु होते हैं, तो हमें लघु आहार कल्पना देनी है, इसलिए यहाँ पे फलाहार निषिद्ध है। दाढ़ी में जैसे जो फल है उनके उनसे सिद्ध आहार कल्पनाएं दे सकते हैं। हाँ, अगर विरेचन में जो द्रव्य दे रहे हैं वो अगर एक हद बार उसकी मात्रा कम हो गई और विरेचन जितने भी चाहिए अपेक्षित नहीं हुए, तो उसके बाद फिर से अनुलोमन द्रव्य दे सकते हैं क्या? हाँ दे और सकते हैं, संसर्जन पर क्रम में फिर यहाँ कैसे कम दिन भी? कम दिन ही न शुद्धि हुई है तो कम दिन ही संसर्जन क्रम देना चाहिए, और संसर्जन क्रम में जो आहार कल्पना है वो मलानुलोमिनी है ही, दोषों का अनुलोमन होना ही है। अगर आपको और औषधि इसमें ऐड करनी है तो आप कृत कर सकते हैं आहार कल्पना। शेष दोष पाचनार्थ शोधन के बाद औषधि दी जा सकती है क्या? शेष दोष पचन करना यह गुण कर्म मंड का है ही ऑलरेडी, ये हमने देखा है। तो वो मंड कल्पना करते वक्त ही आप जो दोष प्रत्यनिका औषध है वो मंड सिद्ध करते वक्त ही आप उसमें डाल सकते हैं, उससे शेष दोष शमन हो ही जाएगा, अलग से औषधि देने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन वी कैन वी स्टार्ट गिविंग मेडिसिंस आफ्टर शोधन इफ देयर इज सच नीड? जब प्राकृत भोजन पे रुग्ण आ जाए तब आप मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, तब तक अग्नि क्रमाग्नि वृद्धि हो चुकी है, तब भेषज दुस्सह नहीं होंगे। जब अग्नि मान्य होता है तब भेषज वीर्य प्रदान होने की वजह से दुस्सह होते हैं, इसलिए संसर्जन के दरम्यान आप औषधि देने की वजह जब प्राकृत आहार शुरू हो जाए तब आप फिर से मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम।